सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस यार, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस यार, जैसा आप सभी को याद होगा, हमने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मुझे भी याद नहीं यार क्या किया था, पर इस वाली वीडियो में हम अपना घर बनाने वाले हैं। तो चलो गाइस यार, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो गाइस यार, ये सारे स्टफ मैंने कलेक्ट कर लिया था। रोको रोको गाली देने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने इन सब की ग्राइंडिंग की थी यार। और देखो, वो सैपलिंग वगैरह भी मिल गई थी हमें चेरी ब्लॉसम की, और वो चेरी ब्लॉसम बायोम उस साइड थी यार। मैं क्या करूँ यार, वो वीडियो ही करप्ट हो गई यार, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो गाइस यार, अभी उसके दिया लिए सॉरी यार, मैं क्या करूँ, उस रिकॉर्डर को फेंकना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा। तो गाइस यार, ये सारा स्टफ कलेक्ट कर लिया है, और जो हमें घर बनाने के लिए सामान लगेगा वो ये रहा। तो गाइस यार, चलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारे घर बनाने को। और एक चीज और बता दूं, और ये कहाँ गया, और ये कैल्प हमें वही समुद्र से, ओशियन से मिली थी, यहीं पे हमारे था मतलब एक आपको मत ओशियन। दिखा। और यहाँ पे एक लैड, जो वॉन्डरिंग ट्रेडर आता है ना, उसको मारा था मैंने, वो उसने वो ड्रॉप की थी लीड। तो चलो गाइस यार, सबसे पहले तो रात हो रही थी, काम करेंगे हम, पहले सो जाएंगे और फिर सुबह अपना घर बनाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस यार, सुबह हो चुकी है, और चलो हम सबसे पहले हमारे घर के लिए एरिया डेक कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ से चेस्ट सारा स्टफ ले लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज काम की है। मैंने एक एक कैलकुलेशन करके सारे ब्लॉक लिए हैं, तो चलो इनको इन्वेंट्री में रखते हैं। और अगर आपको भी घर बनाना है तो ये आप बना सकते हैं, मैं आपको अच्छे से ट्यूटोरियल बता दूंगा इसको कैसे क्या बनाना है। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, एरिया डेक करना है हमें 13x9 का। तो हम घर बनाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम घर बनाना शुरू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 हो गया। अब 9 करना है, मतलब एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलो इसको डेक करते हैं फटाफट। चलो गाइस यार, ये डेक हो चुका है, और अब हमें यूज होने वाले यहाँ पे ये लॉग्स, चेरी लॉग्स, और ये प्लैंक्स, चेरी प्लैंक्स, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमें ये प्लेस करना है यहाँ लॉग, फिर 1 2 3 प्लैंक, फिर लॉग, फिर 1 2 3 प्लैंक, फिर लॉग, 1 2 3, फिर लॉग, ठीक है। तो गाइस इसको रिपीट करना है, तो मैं करता हूँ फटाफट, और फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो गाइस, ये हमारा प्लेस हो चुके हैं, और उसके बाद हमें ये सब 4 ब्लॉक ऊपर तक ले जाना है। तो चलो ले के जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों साइड से करना है, जहां जहां हमने लॉग लगाए हैं तो उनको भी लगाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो गाइस यार, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। चलो गाइस यार, ये हमारा हो चुका है 4 ब्लॉक ऊपर, हाँ 4 ब्लॉक ही है, और सेंटर में भी यही कनेक्ट करना है। तो ये ले लो एक, एक और यहाँ पे भी एक और, ठीक है। तो ये हो चुका है, यहाँ से भी 4 ब्लॉक ऊपर करना है, तो इसको भी करते हैं। चलो ये हो चुका है, और उसके बाद हमें करना है, उसके बाद हम फिर से ऊपर जाना है। तो चलो फिर से ऊपर चलते हैं। चलो गाइज, उसके बाद हमें ये ऐसे कनेक्ट करना है, आप देखते जाना वीडियो में, मैं जैसे कनेक्ट कर रहा हूँ आप भी वैसे कनेक्ट करते जाना। गाइज देखो, ये ऐसा कनेक्ट हो चुका। तो गाइज मैं इसको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा कनेक्ट हो चुका है ये। और गाइज देखो, यही वो वाइंडरिंग ट्रेडर है जिसने हमें लीड दी थी। अरे भाई, मैंने आर्मर भी नहीं पहना, इसको पहन लेते फटाफट, बहुत ज्यादा डैमेज लग रहा था। साले इसकी लीड कहाँ गई यार, उसकी लीड, भाई तेरी लेड कहाँ है यार, इनको मार के इनसे लेड लेते हैं। मार साले, लेड बता, लेड बता, लेट लेट दे, लेट दे, कहाँ है भाई, कहाँ खा लिया भाई। चलो यार, जाने दो यार इसको, हम अपना घर बनाते हैं। तो गाइस यार देखो, ये कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से वो प्लैंक्स लगने वाले हैं, फिर से नहीं, हमें प्लैंक लगने वाले हैं। तो चलो लगाते हैं, जैसे जैसे मैं लगाते जा रहा हूँ आप भी वैसे वैसे लगाते जाओ। चलो ये हो गया, चलो, और यहाँ से भी ऐसे ही कुछ करना है, बस सेंटर में छोड़ देना एक ब्लॉक,
देखो, और यहाँ पे लगाना है हमें चेरी पेंस, ठीक है गाइस। और यहाँ पे भी सेम ऐसा करना है, चलो करते हैं यहाँ पे भी वैसा ही। यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइन डिफरेंट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लगने वाले हैं देखो, गेट लगेंगे यहाँ पे दो दो, और सेंटर में लगेगा हमारा फेंस, चेरी फेंस लगेगा सेंटर में। नहीं, यहाँ नहीं लगने वाला, तो यहाँ से तो अपनी स्टेयर से जाने वाली है। चलो इसको प्लेस करते हैं फटाफट। चलो चलो चलो, ये हो गया हमारा प्लेस। चलो गाइस, ये प्लेस होने के बाद हमें यहाँ पे होगी यूज ये क्या बोलते हैं, अरे सो अरे स्टेयर, हाँ स्टेयर यूज होगी यहाँ पे। तो फटाफट इसको भी प्लेस करते हैं। चलो गाइस यार, ये हो चुकी है स्टेयर यहाँ पे प्लेस, और उसके बाद हमें ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स लगेंगी, तो इसको भी प्लेस करते हैं फटाफट। चलो गाइस यार, ये प्लेस होने के बाद हमें यहाँ चारों तरफ जहाँ जहाँ आपको ये होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे प्लैंक प्लेस करना है। मैं फटाफट प्लैंक लगाता हूँ, फिर मैं आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ। तो गाइस यार, यहाँ पे प्लैंक प्लेस हो चुके हैं, और उसके बाद हमें फिर से चेरी लॉक का यूज होना है। तो सब इनको भी 4 हाइट तक ले जाना है फिर से। मैं जहाँ जहाँ प्लेस कर रहा हूँ आपको भी वही वही प्लेस करना है। तो चलो यहाँ से करना है, और इसको छोड़ना है यहाँ को, यहाँ से करना है फिर से प्लेस, चार 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 हाइट तक ले जाना है। चलो ये हो चुकी है 4 हाइट, और फिर से इसको कनेक्ट करना है हमें। चलो फटाफट इसको भी कनेक्ट करते हैं, और इसको ऐसा कनेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हम छोटी सी एक बालकनी बनाएंगे यहाँ पे अपनी। तो चलो गाइस ये भी हो चुका है, और उसके बाद हमें प्लैंक यूज होने वाले हैं, तो फटाफट प्लैंक प्लेस करते हैं। देखो गाइस, और इसके बाद हमें यहाँ होगी यूज चेरी स्टेयर्स और डोर, कुछ ऐसा लगाना जिसमें बढ़िया लगे। देखो गाइस, अच्छा लग रहा है हमारा डोर यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे भी सेम करना है, हमें अपनी खिड़की बनानी है, उसके लिए हमें पेन यूज होगी ऐसा। देखो ये खिड़की भी बढ़िया लग रही है। तो चलो गाइस, यहाँ पे भी सेम करना है जैसा हमने यहाँ पे किया था। देखो यहाँ 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 प्लैंक, यहाँ पे प्लैंक, और फिर यहाँ उल्टी स्टेयर, यहाँ पे दो पेन, तो यहाँ पे भी सेम करना है वैसा। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 3 स्टेयर्स उल्टी लगेंगी, 1 2 3, और फिर 2 प्लैंक ऐसे, और फिर एक और प्लैंक ऐसा, और फिर 3 पेन लगने वाले हैं ऐसे। कुछ बाहर से दिखा देता हूँ आपको, बाहर से कुछ ये ऐसा दिखने वाला है, ठीक है गाइस। और चलो, और ये इस साइड भी वैसे ही सेम करना है जैसा हमने उस साइड किया था। तो गाइस यहाँ पे भी हो चुका है सेम, और यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी एक खिड़की बनानी है, तो यहाँ पे भी खिड़की बनाते हैं एक। चलो ये बन चुकी है, यहाँ से भी हो चुकी है हमारी खिड़की कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक डोर आने वाला है, तो उसको भी प्लेस करते हैं। तो गाइस, तो यहाँ पे भी प्लैंक लगनी है ऐसे, और फिर एक यहाँ पे स्टेयर, और यहाँ पे एक उल्टा ऐसा डोर, इसमें ये बढ़िया लगता है ये डोर ऐसा, ठीक है गाइस। और इसको तोड़ देना है। चलो, और काम क्या है हमारा। तो गाइस यार, ये बनने के बाद हमें ऊपर जाना है, ऊपर चलते हैं हम फटाफट वाटर बकेट से। और उसके बाद यहाँ पे भी फिल करना है हमें प्लैंक्स, तो प्लैंक्स फिल करके मैं मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। तो गाइस यार, यहाँ प्लैंक प्लेस हो चुके हैं, और उसके बाद हमें यूज होने वाली है स्टोन ब्रिक स्टेयर्स। तो इसको कुछ ऐसा लगाना है जैसा मैं लगा रहा हूँ, आप देख के, अगर आप बना रहे हैं तो देख के बना लेना, सेम जैसा मैं रिपीट कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करते जाना। देखो यहाँ पे होने के बाद फिर हमें यहाँ आ जाना है। चल, अरे भाई उल्टी लग गई भाई, ये फिर कैलकुलेशन किया हूँ, तू नीचे मत गिर। चलो गाइस, ये प्लेस हो चुका है, अरे यार रात भी होने वाली है। चलो गाइस, ये हो चुका है यहाँ पे एक और प्लेस, यहाँ पे भी इसको कनेक्ट करना है। देखो गाइस, इसको होने के बाद आपको कुछ ऐसा यहाँ कॉर्नर साइड देख के यहाँ एक प्लेस करना है, और फिर एक ऐसा लगाना है ऐसा सीधा अपने साइड, और फिर एक इस साइड, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। एक बार गाइस यार, मैं सो के आता हूँ। A few inches later. तो गाइस यार, ये ऐसा लगेगा कुछ, ये बढ़िया लगता है ऐसा। तो गाइस उस साइड भी हमें वैसे ही रिपीट करना है, मैं बता देता हूँ इस साइड। चलो ये इस साइड भी ऐसा ही रिपीट करना है, तो फटाफट मैं रिपीट करता हूँ, फिर तो आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ। सेम ये हो जाने के बाद यहाँ पे ऐसा प्लेस करना है, फिर अपने साइड प्लेस करके प्लेस करना है,
फिर उस साइड फेस का फिर। तो ऐसे ये हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसी स्टेयर्स प्लेस करनी है। चलो तो ऐसी स्टेयर्स प्लेस करनी है। साले जल्दी प्लेस हो जाओ। तो गाइस ऐसी स्टेयर्स प्लेस करनी है। फटाफट मैं स्टेयर प्लेस करता हूँ। और इस साइड भी सेम रिपीट करना है, तो इस साइड भी प्लेस करता हूँ फटाफट जल्दी से। तो गाइस देखो फिक्स हमारी हो चुकी है ये स्टोन ब्रेक स्टेयर। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 प्लैंक लगा देने हैं इसको हाइड करने के लिए। चलो अरे मेरे ख्याल से गाइस यार ये गलत लग चुका है। गाइस इसको कुछ ऐसे प्लेस करना था, तो ये प्लेस हो चुका है। तो चलो फटाफट चलते हैं। और हमें अब करना है, देखो ये प्लेस हो चुका है। अब हमें यहाँ होगी कौन सी स्टेयर प्लेस, चेरी स्टेयर प्लेस। तो चलो गाइस चेरी स्टेयर प्लेस करते हैं यार। गया। तो चलो गाइस चेरी स्टेयर प्लेस करना शुरू करते हैं। ऐसे आपको स्टेयर्स प्लेस करनी है। और इस साइड भी सेम रिपीट करना है। गाइस 2 मिनट देना मैं आता हूँ भैया। साले साले रुक रुक साले, जब से आवाज कर रहा। निकल 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 यहाँ से, निकल निकल निकल, जब से दिमाग खराब कर रहा हूँ साला। तो गाइस चलो उसके बाद आपको ऐसे ही और प्लेस करनी है। ये मैं कंप्लीट करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। तो गाइस ये प्लेस होने के बाद आपको यहाँ पे स्लैब यूज करना है या कुछ ऐसे। देखो फटाफट ऐसे मैं कर देता हूँ। और इसको एक ऊपर करना है, ये कुछ अलग से अच्छा दिखेगा, डिजाइन अच्छी देता है ये। एक लोग ऊपर और कुछ ऐसे ले लिए, कुछ लीव्स को कुछ रैंडमली प्लेस कर देना है आपको ऐसे। चलो कुछ ऐसे रैंडमली यहाँ इस साइड भी और एक इस साइड भी। ठीक है गाइस चलो ये प्लेस हो चुकी है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे भी यही रिपीट करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या, 1 2 3, 1 2 3, 3 गेट यहाँ पे और एक फेंस यहाँ पे बस। तो चलो आपको यहाँ पे आ जाना है और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ही रिपीट करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे लगने वाली है फेंस। तो फेंस प्लेस करते हैं ये लो। और फिर आपको यहाँ पे ऊपर जाना है और फिर यहाँ पे भी 1 2 हाइट बढ़ा देनी है ऐसे। 1 2, मैं पहले खाना खा लेता हूँ यार। तो गाइस खाना खाने के बाद हमें प्लेस करनी है कैंप फायर। देखो जैसे जैसे मैं कैंप फायर प्लेस कर रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे प्लेस कर दो और इनको बुझाते जाओ। ठीक है ये प्लेस हो चुकी है। ओ बुझ जा, चलो ये भी बुझ गई। चलो धीरे धीरे ऐसे प्लेस करते जानी है सावधानी से। चलो गाइस कैंप फायर प्लेस होने के बाद हमें जाना है अंदर। अंदर देख लेना है कोई छूटा तो नहीं हमारे हाथ से। चलो कुछ नहीं छूटा है। और उसके बाद हमें प्लेस करने हैं लॉक्स, बहुत सारे चेरी लॉक्स। चलो प्लेस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लीव्स लगा देते हैं हम, क्योंकि हमें आगे काम है। नहीं, यहाँ से रहने दो, हम यहाँ से कर लेते हैं। देखो गाइस यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ वहाँ वहाँ प्लेस करते जाओ। गाइस यहाँ प्लेस होने के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पर। उसके बाद हमें यूज होने वाले हैं स्लैब्स। तो स्लैब्स भी कुछ ऐसे प्लेस करना है। बढ़िया लगती है भाई ये डिजाइन, बढ़िया लगेगी। आप एक बार यूज करके बस देखना। देखो अरे कोई बात नहीं। चलो 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 देखो ऐसे फटाफट प्लेस कर देना। चलो साइड से भी कर देते हैं। चलो हमारे स्लैब भी खत्म हो गए और स्लैब का काम भी खत्म हो चुका है। और उसके बाद आपको यूज होने वाली है यहाँ पे लीव्स। तो फटाफट यहाँ पे ऐसे एक एक लीव्स प्लेस कर देना। लीव प्लेस होने के बाद आपको यहाँ पे भी लीव प्लेस करनी है। देखो यार तो सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें आगे, टेम्पररी ब्लॉक प्लेस करके जाते हैं। चलो इसको तोड़ देते हैं फटाफट। चलो फिर हमें पिलर के ऊपर एक एक लीव प्लेस करनी है। चलो गाइस देखो लीव प्लेस हो चुकी है हमारी। और उसके बाद हमें थोड़े से फैंस और प्लेस करने हैं। अरे भाई, अरे नहीं, भाई यार इसको मैं मार दूंगा तो रेड स्टार्ट हो जाएगी यार।
गाइस एक काम करते हैं, इसको ट्रैप कर देते हैं यार। चलो गाइस यार ये ट्रैप हो चुका है, चलो इसे बंद कर देते हैं। चलो बढ़िया। और ये ऊपर से तो शायद डैमेज नहीं खाता, साला मारता बहुत है लेकिन। चलो इसे ऊपर से भी बंद कर देते हैं। चलो गाइस हम अपने घर में फोकस करते हैं, उसके बाद हमें यूज होंगी यहाँ पे। देखो दो दो यहाँ पे ये प्लेस होंगी फैंस, तो फटाफट फैंस प्लेस करते हैं दो दो। तो गाइस हमारी फैंस प्लेस हो चुकी है और हमारा घर भी रेडी हो चुका है। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्राउंड सही करना है तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं। वीडियो बड़ी हो गई इसलिए मैं इसे लगा नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे एक रूम बनाना है हमें, यहाँ पे मैं एक बार बना देता हूँ, यहाँ पे बना ही देता हूँ, काम करता हूँ। चलो चलो ये रूम भी बन चुका है यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे आप जानवर पाल सकते हैं, यहाँ पे खेती भी कर सकते हैं। तो गाइस यार आज इस वाली वीडियो में हमने हमारा घर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये घर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और गाइस आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आप इसको कितना रेट करोगे 10 में से। मैं तो भाई इसको 10 में से 10 ही रेट करने वाला हूँ, आप अपना कमेंट करके बता देना। गाइस यार मैं मिलता हूँ गाइस यार आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म।